नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मेरा नाम है तन्मय, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है पेडलर तन्मय। तो दोस्तों, आज के समय की बात की जाए तो मार्केट में एक से बढ़कर एक गाड़ी अवेलेबल है, पर एक ज़माना हुआ करता था जब सड़कों पर सिर्फ साइकिल हुआ करती थी। सबके पास साइकिल होता था, सब उसकी यूज़ भी करते थे। उस ज़माने में साइकिल बेस्ट हुआ करता था, आज भी बेस्ट है, पर अगर कंपेयर किया जाए तो जितना लोग पहले साइकिल यूज़ किया करते थे उतना आजकल कोई नहीं करता, क्योंकि सबको बाइक और कार ज़्यादा पसंद है, क्योंकि उसमें उन लोग ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं। तो दोस्तों, बस आज का टॉपिक कुछ यही है, हिस्ट्री ऑफ साइकिल। क्या आप जानते हैं कि साइकिल का इन्वेंशन किसने किया था? वैसे तो बहुत सारे थ्योरीज है, पर एक्चुअल में नहीं पता कि किसने किया था। वैसे कुछ हिस्टोरियंस का कहना जरूर है कि साइकिल के जो फर्स्ट इन्वेंटर थे उनका नाम था जियोवानी फोंटाना, जो कि इटली के रहने वाले थे। वो एक इंजीनियर थे और उन्होंने साइकिल का इन्वेंशन किया था 1418 में। उन्होंने इसे चार टायर का बनाया था ताकि लोग ज़्यादा कंफर्टेबल रह सके, पर उस टाइम ये ज़्यादा चला नहीं और बाद में इस पर किसी ने ध्यान भी नहीं दिया। फिर 1816 में, 400 साल बाद, जर्मनी के केएफ वॉन रेस नाम के एक लोहार ने इसे नया शेप दिया, नया डिज़ाइन किया और इसको चार टायर से दो टायर में बनाया। वो साइकिल वुड का हुआ करता था, उस पर एक लेदर की सीट थी और उस पर एक हैंडल था। लोगों को इस इन्वेंशन पे बहुत पसंद आया, लोगों को ये बहुत ज़्यादा पसंद आया, ये बहुत फेमस हुआ यूरोप कंट्रीज में और फिर इसका नाम तब से हॉबी हॉर्स पड़ गया। बट इसमें बहुत सारे चेंजेस करने की ज़रूरत थी, क्योंकि लोग इस साइकिल को धक्का मार मार के चलाते थे और बहुत थक जाते थे। तो फिर 1839 में पैडल बनाने का आइडिया आया स्कॉटलैंड के एक लोहार को, जिसका नाम था के मैकमिलन। जैसे न्यूटन का दिमाग चला था ऑब्जर्वेशन से, वैसे मैकमिलन ने भी ऑब्जर्व किया कि लोग इसे धक्का मार रहे और थक जा रहे, तो फिर इन लोग के लिए कुछ किया जाए। तो फिर इन्होंने पैडल का इन्वेंशन कर दिया। तो साइकिल का नाम तब पड़ा था मैकमिलन सेल्फ प्रोफाइल्ड बाइसाइकिल। इन्होंने बहुत सारे मॉडिफिकेशंस किए, बहुत सारे पार्ट्स ऐड किए लोहे के, तो फिर एक प्रॉब्लम हो गया, साइकिल का वजन हो गया 26 किलो, जो कि बहुत ज़्यादा होता था। फिर 1873 में जेम्स टर्ली, जो कि फ्रांस के रहने वाले थे, उन्होंने नया साइकिल का डिज़ाइन बनाया, जिसमें एक टायर बहुत बड़ा था और एक टायर बहुत छोटा था। पहले जो टायर्स वुड्स के होते थे वो चेंज करके रबर के कर दिए, और वो जो पेडल होता है वो डायरेक्ट टायर में अटैच कर दिया, तो लोगों को इसे चलाने में बहुत आसानी भी होती थी, बहुत लोग पसंद भी करते थे। सबसे ज़्यादा पसंद आता था अमेरिका के लोगों को, इसलिए अमेरिकन्स ने इसका नाम पेनी फार्थिंग ऐसा रख दिया। बट इस साइकिल का एक प्रॉब्लम भी था, इससे बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते थे, तो इसे तभी सेफ नहीं माना गया। तो कुछ मॉडिफिकेशंस के साथ 1885 में जेके स्टार्ली, जो कि इंग्लैंड के रहने वाले थे, उन्होंने एक नए साइकिल का डिज़ाइन बनाया, जिसका मेन मोटो था लोगों का सेफ्टी। तो इस साइकिल का नाम फिर द रोवर सेफ्टी साइकिल ऐसा पड़ गया। इसके दोनों टायर सेम साइज़ के थे और जो आगे के टायर में पहले पैडल हुआ करता था उसको पीछे ले आए और चेन की मदद से पीछे के टायर को कनेक्ट कर दिया। तब ये सिंगल स्पीड फिक्स्ड गियर के साथ आता था, क्योंकि फ्री व्हील होता नहीं था। फिर 1888 में आया विपेट साइकिल, जब से ब्रेक्स यूज़ होने लग गए। फिर 1890 में सबसे पहले वुमेंस लोग ने चालू किया साइकिल चलाना। पहले तो बहुत प्रॉब्लम होता था लॉन्ग स्कर्ट की वजह से, पर बाद में नया डिज़ाइन आ गया तो फिर उनको पैंट मिल गया। फिर 1920 में सबसे पहला साइकिल बना बच्चों के लिए। फिर धीरे धीरे 1960 से साइकिल रेसिंग के लिए यूज़ करने लग गए। 1970 से माउंटेन बाइक्स बन गए। फिर ऐसे धीरे धीरे लेडीज़ साइकिल बनना चालू हुआ। फिर आज के ज़माने में इलेक्ट्रिक साइकिल बने हैं। तो ऐसे बहुत सारे टाइप से साइकिल के और आगे भी बनते रह गए। तो बस आप सब देखते रहिए आगे आगे क्या होता है। तो आज के लिए बस इतना ही, ऐसे ही बने रहिए ताकि आपको और बहुत कुछ जानने को मिलेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो आप लाइक करो, कमेंट करो, अगर नहीं पसंद आए तो भी कमेंट करो, कुछ सजेशन देना तो भी कमेंट करो, कुछ टॉपिक बताना हो तो भी कमेंट करो, कुछ चेंजेस चाहिए तो भी कमेंट करो और बहुत सारा शेयर करो और सब्सक्राइब करना ना भूले।